देखो भाई दो चीज बताऊंगा यहाँ पे मैं, जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं। अगर हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो भी खतरा है, और अगर वजन बहुत कम होता है तो भी खतरा है। खतरा कैसे है, वजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो अनेक तरह की बीमारियां शरीर में आने लगती हैं, और अगर वजन बहुत कम होगा तो कई तरह की कमजोरियां शरीर में आने लगती हैं। तो कमजोरियां भी खतरनाक होती हैं, यानी कि नुकसानदायक होती हैं, और बीमारियां भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। फैट कटर के नाम से मार्केट में ऐसी ऐसी पिल्स आती हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां आती हैं जो एकदम से एक झटके के साथ में आपके वेट को कम कर देती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गलत है। इतने फास्ट तरीके से अगर वेट कम आपका हुआ है तो वो बिल्कुल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में देखिए, जिस तरीके से वो बढ़ा है उसी तरीके से धीरे 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 उसको कम करिएगा, तो आपके लिए एकदम बढ़िया चीज रहेगा। तो ऐसे में धीरे धीरे अच्छे तरीके से आपके शरीर का कोई भी नुकसान नहीं होगा, उस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो ये नुस्खा आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ गिनी चुनी 6 चीजें लेके आनी है। पहले मैं 4 चीजें बताऊंगा और 2 चीजें आपको मैं बाद में बताऊंगा जो आपको उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो 4 चीजें आप नोट कर लीजिए। देखिए, पहले नंबर पे आपने लेना दालचीनी, दूसरे नंबर पे आपने लेना सौंठ, सूखा हुआ अदरक जो होता है, तीसरे नंबर पे आपने हल्दी की गांठ लेनी है, और चौथे नंबर पे आपने इलायची हरे वाली। ये चारों चीजें आपने 25-25 ग्राम की मात्रा में, यानी इक्वल क्वांटिटी में आपने लेके रख लेनी है। इनको बारीक पीस के पाउडर बना के छन्नी में से छान के और डिब्बी में मिक्स करके रख लेना है। पहला काम ये हो गया। अब जो 2 चीजें और लेके आनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा भैया, उसके बिना नुस्खा नहीं बनेगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भी वेट बढ़ने का मेन रीजन क्या है। मेन रीजन एक ही होता है, हमारे पेट के अंदर में गैस का भराव होना। हमेशा हमारे पेट के अंदर में हमेशा गैस भरे रहना, या फिर हम गलत खान पान अगर करते हैं तो गलत खान पान करते हैं और उसके साथ में पेट हमारा खुल के साफ नहीं होता, गैस भर जाती, गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है। और देखिए दोस्तों, जब पेट हमारा गुब्बारे की तरह फूलेगा तो हमारे आंतों के ऊपर में उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, और आंतें खुल के अपना अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगी। आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं, इतनी सरल भाषा में कि बिल्कुल एक बार में माइंड में फिट हो जाएगा। और दूसरी चीज है दोस्तों, जब आंतों के अंदर में उस गैस का बुरा प्रभाव पड़ेगा तो आंतें अपना कार्य करना बंद कर देती हैं या फिर कम कर देती हैं, तो जिसकी वजह से पेट खुल के साफ नहीं होता, कब्ज हो जाती है, और पेट के अंदर में गैस के साथ साथ में खट्टी डकारे, एसिडिटी, जलन, ये ऐसी ऐसी चीजें भी, क्योंकि ये तो फिर एक फैमिली के रोग हो गए ना सारे, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों, जब ये सारी की सारी बीमारियां हमारे पेट के अंदर में घुस जाती है, बैठ जाती है, अपना घर बना लेती है अपने पेट को, तो ऐसे में वेट बढ़ना एक छोटी सी बात है, आम सी बात है। और जब ये चीजें कई कई महीनों तक लगातार हम फेस करते हैं कंटिन्यू, तो भैया वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% वजन बढ़ेगा। और साथ में फिर अगर हम पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, चाउमीन भी खा रहे हैं, मैदा भी खा रहे हैं, मिठा भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो फिर ये चीज डबल ट्रिपल हो जाती है। जो अंदर जो आंत वाली चीज जो मैंने बताई है ना, ये फिर 3 गुना तेजी से प्रभावित होती है। अब 3 गुना तेजी से प्रभावित होगी तो 3 गुना तेजी से हमारा फैट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, हमारा चर्बी बढ़ेगा। तो उसी चर्बी को कम करने के लिए ये पाउडर जो मैंने बताया है ये आपने बना के रेडी कर लिया। अब दूसरे नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो रहेगी, आपने लेना है 1 चम्मच शहद का और 3 से 4 बूंदे या फिर आधा चम्मच नींबू का। अब देखिए, जो पाउडर आपने लिया है, जो बना के रखा है, अब दोपहर का खाना खाने के बाद में और डिनर करने के बाद में, ये 2 जगह पे आपने यूज करना है, लंच के बाद में और डिनर के बाद में, आधा चम्मच इस पाउडर का आपने लेना है, 1 चम्मच शहद का लेना है और आधा चम्मच नींबू का उसके अंदर में डाल के बाउल के अंदर डाले और मिला के अच्छे से पेस्ट बना ले, और खाना खाने के तुरंत बाद में आपने इसको सेवन करना है। चाट के सेवन करिए या चम्मच में डाल के सेवन करिए, जैसे मर्जी करिए। इतना जबरदस्त और इफेक्टिव ये फॉर्मूला है भैया, मैं कह रहा हूं कि महंगी महंगी दवाइयां फेंक दोगे, ऐसे निकाल के छोड़ दोगे। ये सस्ती घरेलू चीज आप इस्तेमाल करिए, पहले दिन से फायदा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। 100% फायदा देने वाला रामबाण उपाय मैंने आपको दिया है, इसको इस्तेमाल करिए और अपने बढ़े हुए फैट को, चर्बी को, तोंद को, बेली फैट को, बाजू फैट को, गर्दन फैट को, थाइज फैट को, कमर के फैट को, साइड में लटकती हुई चर्बी को, हर प्रकार की चर्बी को ये पिघला के आपके शरीर से आउट करेगा और आपको स्लिम और फिट बना के रख देगा।
तो दोस्तों इस जानकारी को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी वीडियो को जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है और वीडियो मैं आपके बीच में लेके आता रहूंगा। और दोस्तों ऐसा वीडियो दोबारा पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।